वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है फ्राइडे और अब मैं जा रहा हूँ रनिंग पे। तो शूज़ लिए थे जो नए, तो उनको अब टेस्ट भी करने का टाइम आ गया है। तो अब मैं बस रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो तुम्हें मिलूँगा जब मैं रनिंग से वापस आ जाऊँगा। उसके बाद नहाना भी है, खाना भी बनाना है। तो अभी चलता हूँ और रनिंग स्टार्ट करता हूँ। तो तुम्हें मिलता हूँ रनिंग आ गया हूँ वापस। और क्या बताऊँ, भयंकर थकान लग गई, भयंकर वाली। सो अब नहाता धोता हूँ और पहले तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना, रनिंग के बाद एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। बॉडी का शेप अच्छा होता है, आई थिंक सो। ये तो मेरा मानना है। अब जो लोग एथलीट होंगे, जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तुम समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो उन्हें पता होगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मी। तो अभी एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद नहाता धोता हूँ और कुछ अपने के लिए खाना बनाता हूँ, क्योंकि सुबह तो ब्रेकफास्ट कर लेता, अभी लंच करना है और उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है आगे। तो अभी पहले थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। खाना धोना हो चुका है फाइनली ख़त्म और अब मेरा कुछ ऐसा प्लान बन रहा है। देखो, ये मेरा बेड है, ठीक है, और ये है अपनी ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बोल रहा, चादर। तो क्या करूँगा, अब ये शीट चेंज करूँगा, बेड शीट, और थोड़ा बेड साफ़ करूँगा, क्योंकि भाई मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने बेड ही साफ़ नहीं किया। तो ज़रूरी है भाई, मतलब सुबह सुबह वो कर देता हूँ, मैं फोल्ड कर देता हूँ बेड पर, लेकिन मैंने शीट चेंज नहीं करी। तो आज मैं इसे शीट को चेंज करता हूँ, ये धुली हुई शीट है, उसे धुलने डालता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं अपने के लिए कुछ खाना बनाता हूँ, क्योंकि भाई भूख लगे लग गई अब। तो सबसे पहले तो ये साफ़ करता हूँ, ठीक है, तो इसे करता हूँ, उसके बाद तुमसे चॉपिंग चल रही है। ये प्याज टमाटर काट दिया और उधर अपना दाल रखी हुई है, और ये राइस कुकर है, सो इसमें राइस बनेगा। तो दाल चावल बना रहा हूँ और फिर देखो तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। खाना खुना बना लेता हूँ, काट चुका हूँ। ये टमाटर है, पूरा ग्रेवी बन चुकी है टमाटर की, और ये अपने राइस रखे हुए और उधर दाल पक रही है, और वो भी पक गई है आई थिंक। तो अब मैं दाल को फ्राई करता हूँ, और बस दाल और चावल, यानी बेस्ट इंडियन फूड। तो बाकी खाने के बाद मिलता हूँ तुम्हें, तब तक ले टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। और खाना भी रेडी है, दाल रेडी हो चुकी है, राइस भी रेडी हो चुका है, और बस प्लेट में रखना है। तो बस अब इन्हें सर्व करता हूँ टेबल पे और खाता हूँ बढ़िया करके। सो मिलता हूँ तुम्हें खाने के बाद, और शायद से तुम्हें वीडियो भी दिखा दूँ कि खाना दिख कैसा रहा है। तो मिलता हूँ फाइनली तुम्हें, खाना बन चुका है और ऐसा दिख रहा है ये कुछ, और टेस्ट करता हूँ मैं आज। आज मैं बनवाऊँ फूड एक्सपर्ट कि खाना कैसा हो रहा है। एक मिनट, मैं पहले एक बाइट लेता हूँ, फिर मैं टेस्ट करता हूँ कि आउट ऑफ 10 में से मैं कितने नंबर दूंगा खुद को, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बना है। बढ़िया है, बस इसमें एक कमी है, इसमें ना थोड़ा नमक कम हो गया, तो नमक लेके आता हूँ मैं। देखो क्या है ना भाई, मेरा मानना है कि नमक कम हो जाए पर नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नमक कम है तो तुम बढ़ा सकते हो, पर अगर ज़्यादा है तो तुम्हें पानी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कम ही नमक डाला, मैं थोड़ा नमक डालूंगा, ज़्यादा नहीं। पहले टेस्ट देखता हूँ मैं। बम बम बम। तो बस देखते हैं एक बार, ये नमक का ही टेस्ट है या फिर और कुछ। अब लग रहा बेस्ट हो रहा है, बिल्कुल टेस्टी बोल देना से। आउट ऑफ 10 में से मैं दूंगा इसे 9 नंबर दूंगा, 1 नंबर इसलिए कम क्योंकि नमक कम हो गया। बाकी बस अब खाना खुना खा रहा हूँ मैं, उसके बाद जॉब है मेरी कितने बजे से, 6 बजे से। तो इसके बाद शायद से मैं असाइनमेंट पे वापस जाऊँगा, असाइनमेंट के काम करूँगा, और फिर बीच में शायद से थोड़ा आराम करूँगा। तो तुम्हें मिलूँगा मैं डायरेक्ट किस टाइम पे, जब मैं जाऊँगा जॉब पे। तो तब तक ले ख्याल रखो अपना, और सी या। हो गया है जाने का, सो 5:30, आई थिंक 5:40 हो गया है, और अब मैं जा रहा हूँ अपने काम की तरफ। सो तुमसे मिलूँगा मैं आते हुए, या फिर शायद से नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो शायद से मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, पर जैसा भी होगा तुम्हें बता दूंगा। तो सिया, चाबी रख ली ना मैंने भाई, अगर अभी बजिया मैं कसम से, अगर मैंने लॉक कर देता ना और चाबी रह जाती ना, तो बैंगअप लग जाते हैं मेरे हंसते हंसते। तो बाकी बस अब मिलता हूँ तुम्हें अपने काम निपटाने के बाद और अपनी शिफ्ट निपटाने के बाद। कोशिश करूँगा कि वीडियो बना लूँ और तुम्हें बताऊं कि कितने घंटे काम किया और क्या कर रहा हूं। तो मौसम फिर से इतना औसम है ना, क्या बताऊं तुम्हें। तो बस अब मिलता हूं तुम्हें,
नेक्स्ट वीडियो पे या फिर नेक्स्ट शॉट पे। तो देखते रहो वीडियो को, अगर नेक्स्ट शॉट मार बनाऊंगा तो तुम्हें दिख जाएगा, और अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ। गया है 11 बज गया है और मैं बहुत लेट आया घर, आज घर भी क्या घर लेट जा रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ कि मैं ना ड्रिंक कर रहा था तो मैं उसके साथ बैठ गया गप्पे मारने। एक बुढ़िया ना मेरे पे लाइन मार रही, साला शर्म भी नहीं आ रही इन बुढ़िया को, दारू पी के मुझे लाइन मार रही भाई, छेड़ रही, मुझे गंदा लग रहा है यार। दारू पी के कोई बुढ़िया छेड़े कितना गंदा लगता है यार, जवान लड़कियाँ नहीं छेड़ रही, बुढ़िया छेड़ रही यार। भयंकर आगे भयंकर टैटू दिखा रही अपनी यहाँ ब्रा से नीचे का, भयंकर यही रह गया क्या जिंदगी में एक भयंकर उम्र है भी यंग हूँ, भयंकर लड़कियाँ छेड़नी चाहिए, बुढ़िया छेड़ रही मुझे यार, साला क्या रह गया जिंदगी में, कैसी बकचोद जिंदगी हो रखी, भयंकर लड़कियाँ छेड़ने की उम्र है बहन जो, बुढ़िया मुझे छेड़ रही साला। तो गाइस चलो फाइनली ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, और आज का दिन भी कट गया जैसे तैसे, और अब मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट डे पे। तो तब तक के लिए ख्याल रखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, सी।